अपने राज दरबार में आकर के और इस तरह की बातें करते हैं। पति देव, हाँ महारानी, अगर आप सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं नहीं बताऊंगी, मैं मर जाऊंगी। पति देव, हे महारानी, हे प्रिय, इस तरह की बात नहीं करते, ऐसा अशुभ मत बोलो। नहीं नहीं पति देव, रही बात सत्य की, तो पति पत्नी में सत्य कैसा महारानी? नहीं पति देव, एक बार आप ऑर्डर कीजिएगा तुरंत ये रुद्र सिंह पूरा करेगा, इसमें सत्य कहां से आ गया? नहीं पति देव, अगर आप सत्य नहीं कीजिएगा तो मैं ही मर जाऊंगी पति देव। अरे नहीं नहीं महारानी, यदि मैं सत्य कर लूं और आप ठीक हो जाए तो सत्य करने में हानि क्या है? तो ठीक है, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे महारानी, मैं आपके साथ सत्य करता हूँ, एक सत्य दो सत्य वर्मा भी सुन सत्य, जो तुम्हारा कहा नहीं करे 80 कोस नर्क में बात। अब तो बताइए कि आपकी समस्या क्या है महारानी? पति देव, हाँ महारानी, अपनी जो पुत्री है कंचन कुमारी, क्या हो गया कंचन को? क्या बताऊं पति देव, बहुत बड़े परले आ गए पति देव। परले आ गया? रुद्र सिंह को रहते हुए लाल महता में परले आ जाए। महारानी क्या बात है, साफ साफ मुझे बताओ। पति देव, कंचन कुमारी नहीं घर में भोजन करती थी, नहीं खाना खाती थी, नहीं कहीं जाती थी, ना कहीं घूमने के लिए जाती, नहीं पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाती थी। हे महारानी, हाँ, घर में खाना नहीं खाती है, स्कूल नहीं जाती है कंचन कुमारी, क्या हो गया है मेरे बेटी को? तो पति देव, वो रोती रोती आई और बोली, चाची पहले तो मुझे सत्य करा ली पति देव, उसके बाद वो बोली, जो चाची चंदन चरका और मरवन बाजा और कटक खिलौना हमें चाहिए। हाँ महारानी, ये तुम क्या बक रही हो, ये जानती हो ये चंदन चरखा कटक हिलोरा और मरुन बाजा चीज क्या है? हे महारानी, हे पति देव, ये चंदन चरखा कटक हिलोरा और मरुन बाजा ये राज ललका में है, और वहां का राजा भरत सिंह बहुत खूंखार और खतरनाक है, इसीलिए हे महारानी भले तुम हमारा प्राण मांग लो प्रिय, मैं तुम्हारे कदमों में अपना प्राण दे दूंगा, लेकिन ये 3 सामान मत मांगो हमसे। नहीं नहीं पति देव, हमें वही चाहिए, चंदन चरका और मरवन बाजा कटकी रोला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हे महारानी, समझने की कोशिश करो, नहीं जो भी छतरी आज तक राज दलका गया है कोई वहां से वापस नहीं आया है। नहीं पतिदेव, मैं भी वचन दी हूँ, मैं अपनी पुत्री कंचन कुमारी की, जो मैं सारी तुम्हारी मांग पूरी करूंगी। हे महारानी, वहां पर 3 लड़ाई चलता है, ऊपर में बर्मा फांस चलता है, सामने तेगा से लड़ाई होता है यानी तलवार से, और जमीन के नीचे दलदल है, कहीं ना कहीं जवान फंस ही जाता है, लोहा में तो मुझसे पार नहीं पाएगा, दलदल से भी मैं निकल लूंगा, परंतु यदि हम पे बर्मा फांस चला दिया फिर मैं वहां से लौट करके नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, जो जाए मुझे चाहिए वही 3 सामान। हे महारानी, इतना हंठी मत बनो, इतना निर्दयी मत बनो, क्यों अपने पति को मौत के मुंह में धकेलना चाहती हो? हे महारानी, पति होता है तो औरत को 16 सिंगार होता है,
पति नहीं होता है वो कंगाल होता है, उसके पास कुछ नहीं होता। महारानी आप समझने की कोशिश करो, ये तीनों सामान भूल जाओ। नहीं, अगर कुछ हो जाए पति देव, मैं ये तीन सामान नहीं भूल सकती हूँ। हेलो जी, इतने देर से रुदन सिंह प्रेम से और प्यार से समझा रहा था, परंतु तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, क्षुद्र गवार ढोल पसुनारी या चारों तारण के अधिकारी, तुम समझने वाली औरत नहीं है। ये दिमाग खोलो और गौर से सोचो महारानी, गौर से। नहीं पति ने, मुझे चाहिए तो चाहिए, आप चाहिए। कैसी अभागन औरत है कि अपना श्रृंगार गवाना चाहती है, अपने पति को गवाना चाहती है, लेकिन इसे तीन सामान चाहिए। रह पगली, यदि पति नहीं रहेगा तो तीन सामान क्या, ये पूरे संसार बेकार है। ये दुख अगर पूछना है किसी विधवा औरत से, पूछो कि विधवा होना कितने दुख की बात होता है। महारानी महारानी आप व्रत जिस चीज में जीत पकड़ लेते हैं वही पकड़े रहते हैं। हे महारानी, सोच समझ के हर एक इंसान को काम करना चाहिए। मैं हर कुछ सोच ली हूँ, मुझे तीन सामान आप दीजिएगा या कि नहीं दीजिएगा। आहे मतिया बोराई के Thank you.
हरामजादी रूगन सिंह को ताना मारती है, नोच कटाने की बात करती है। शेर है शेर, अगर आप शेर होती तो कट के चली जाती, अगर आप नहीं जाने चाहते तो आप रहिए घर में और मैं चलती हूँ। तुम जाएगी राज महब्बा की महारानी जाएगी, रूदल सिंह को रहते हुए उसकी पत्नी को कहीं जाना पड़े तो रूदल सिंह का जीना बेकार है। मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं तो तुम्हारे बारे में और तुम्हारे पुत्र के बारे में सोचता हूँ कि छोटा सा बच्चा है तुम्हें, यदि मैं वहां मारा गया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। बाकी ये रूदल सिंह मरने से नहीं डरता है। हे महारानी, यदि सामने काल भी होगा ना तो रूदल सिंह यदि कदम बढ़ा देता है तो कदम पीछे नहीं जाता था। तो हमें चाहिए आप जहां से हो आप लेकर दीजिए, नहीं तो आप चूड़ी मेरी वाली पहनिए और रहिए इस राज में, मैं जाऊंगी और मैं खुद लेकर चली जाऊंगी। तुम जाएगी, तुम जाएगी हरामजादी। आओ मलाना दरदवा पियावा के आओ। जब तुमको हमारे ऊपर माया नहीं रहा तो हम तो कैसे रहेगा। मैं जाऊंगा राज दल का और तीन सामान आपको ला करके दे दूंगा। ठीक है प्रतिदेव, अब तो आप आपकी मन खुश हो गया, आपका दिल खुश हो गया। हाँ प्रतिदेव, ये पति मर जाए लेकिन इसको तीन सामान चाहिए। महारानी, दल का जाने से पहले ये जो 16 सिंगार और 32 अवरण है ये पूरा उतार दो मेरे सामने में। क्या? हाँ। मैं सिंदूर हटा दूं? हाँ। मंगलसूत्र हटा दूं? नहीं पतिदेव, एक पत्नी को लिए ये सिंदूर सिंगार होता है पतिदेव, और ये मंगलसूत्र ये मैं कभी नहीं उतार सकती हूँ। हे महारानी, इतने देर से तो मैं
समझा रहा था, परंतु जब बुद्धि विपरीत होता है ना तो इंसान की ऐसे दुर्दशा होती है। तुम्हें तो काल सवार था, तुम हमारा एक बात नहीं मानी महारानी, इसीलिए जाने से पहले आपको विधवा बनना पड़ेगा। नहीं पतिदेव, मैं सिंगार नहीं अपना सकती हूँ और नहीं विधवा हो सकती हूँ, ऐसे बात आप क्यों बार बार करती हैं? हे महारानी, जो आज तक दल का गया है, दल का घर का कहना है, आने वाले का तो पैर का निशान होता है परंतु जाने वाले का नहीं होता है, इसीलिए तुम अपने सोलो सिंगार उतार दो, विधवा का रूप धारण करो, मैं अपने हाथों से तुम्हारे मांग का सिंदूर धोऊंगा, आओ तुम हमें कफन बांध दो, ताकि यदि मेरी मौत वहां लिखा होगा तो कफन की जरूरी तो नहीं पड़ेगा। हम कैसे पति हैं? रे पगली, तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति को मौत के मुंह में धकेल रही हो और हम ही को बोलती हो सत करा करके, सत के बंधन में बांध करके रुद्र सिंह को, और अब कह रही है कि मैं विधवा नहीं बनूंगा। आपको पहले महारानी विधवा होना होगा। ये जो लाल लाल साड़ी पानी है ना, इस जगह पर सफेद साड़ी आएगी। नहीं नहीं पतिदेव, मैं आपका कल जोड़ती हूँ, मुझे ऐसे मत कीजिए पतिदेव। महारानी, मैंने आपके साथ सत किया है और कहा है प्राण जाए पर वचन न जाए। हे महारानी, यदि मैं आपका कहा नहीं करूँगा तो 80 कोस नर्क में हमारा वास होगा। हे महारानी, ब्रह्मा की रचाई हुई सृष्टि में ये मनुष्य का शरीर या किसी भी जीव का शरीर हमें बार बार मिलेगा, क्योंकि आत्मा अमर होता है, वो अविनाशी है। जिस तरह से मनुष्य को ये वस्त्र कपड़ा पुराना हो जाता है, इसे फेंक करके नया कपड़ा खरीद कर ले आता है, उसी तरह जिस दिन आत्मा को लगता है कि ये शरीर अब पुराना हो गया, हमको नया शरीर चाहिए, उस दिन वो आत्मा वो शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है। तो इस संसार में तो आना और जाना लगा ही रहता है, हम पहले भी थे, अब भी हैं, इसके बाद भी रहेंगे। हमारी आत्मा इंसान को प्रेम होना चाहिए आत्मा से, शरीर से नहीं। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। मैंने आपको आत्मा से पत्नी बनाया है, इसीलिए आप ये सब कुछ उतार दीजिए। शोक ना करें महारानी, सबको एक दिन जाना होता है, यहाँ कोई अमर होकर के नहीं आया है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आती है। महारानी, कुछ भी कहना तो सरल होता है, परंतु जब आदमी के ऊपर खुद वो मुसीबत आता है, उस दिन वो समझ जाता है कि मुसीबत क्या होता है। किसी का माँ मरता है, किसी का बाप मरता है ना, कहता है क्या करेगा, ये तो संसार का नियम है, ऐसे ही होता है, सबको जाना होता है। लेकिन जिस दिन उसका खुद माँ या बाप मर जाता है, उस दिन उस आदमी को एहसास हो जाता है कि माँ और बाप क्या था। ये सब कुछ तुम उतारोगी या मैं उतरवा दूं? नहीं पता। ए दासी, इधर आओ। इससे नहीं हो सकती है, मैं नहीं उतारूंगी। कानी सजनी गुलाब कहैया,
क्या की, तुम्हें तो बहुत लंबा जिंदगी बिताना है। और अभी अभी इस गाने पे खुश होकर के अकलू मुखिया इन बाबू की तरफ से 11 रुपया का पुरस्कार है हमारे पार्टी कोर से। धन्यवाद हे दासी। हाँ महाराज, महारानी की सारा सिंगार उतार दो और ये सफेद साड़ी पहना दो। देखो मलकान, जैसे मालिक बोले हैं हमको तो करना ही पड़ेगा। एक बात मैं आप आपको बता देता हूँ महारानी। नहीं पति देव, आप मत जाइए। हे महारानी, जो कदम आगे बढ़ गया वो पीछे नहीं होगा। आप उठिए, इनका सिंगार उतारिए। इसीलिए कहता है कि सब दिन एक समान नहीं होता है।